दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस फ़ोटो को एडिट करके कुछ ऐसा क्रिएट करूँगा फोटोशॉप में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करूँगा, तो उसमें जाके टेम्परेचर मतलब केल्विन को मैं एडजस्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, लाइट को थोड़ा सा मेरे हिसाब से एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर रिकवरी की ज़रूरत नहीं है उतना सा, इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। हो जाने के बाद मैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन को एडजस्ट करूँगा फ़ोटो के हिसाब से। मैं कैसा टोन देना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन को एडजस्ट करूँगा। उसके बाद मैं कर्व्स में जाऊँगा और एक फेडेड लुक क्रिएट करूँगा विद द कॉन्ट्रास्ट। अब मैं पैरामेट्रिक कर्व में जाऊंगा और पैरामेट्रिक कर्व में जाके मैं लाइट शेडो ये सब एडजस्ट करूंगा। पहले से ये फ़ोटो थोड़ा सा नॉइजी है, तो मैं इसका शार्पन थोड़ा सा करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शार्प करूंगा। उसके बाद मैं कैमरा प्रोफाइल को एडजस्ट करूँगा। कैमरा प्रोफाइल से आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। मैं सिर्फ एक टोन कैमरा प्रोफाइल से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। हो जाने के बाद मैं पिक्चर को मेन वर्कस्पेस में ले आया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा और बैकग्राउंड का जो मेन लेयर है उसको मैं लॉक रखूँगा। मैं क्या करूँगा, अब सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा मैजिक टूल से। तो उसके बाद क्या करूँगा, एक मास्क क्रिएट करूँगा। जब आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मास्क पर क्लिक करते हो तब क्या होता है, तब सब्जेक्ट का एक मास्किंग होता है, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, फोरग्राउंड वाइट है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बैकग्राउंड वो सिलेक्ट हुआ है। खैर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ और ऊपर वाला जो लेयर है मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ, नीचे वाला लेयर मैं चूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा। जब मैं डिक्रीज करूँगा तो पूरा ओवरऑल इमेज डार्क हो रहा है, इसलिए मैं क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल करूँगा ताकि सिर्फ बैकग्राउंड में ये डार्कनेस आए। जब मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मास्क किया तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ था सब्जेक्ट को छोड़ के, इसलिए मैं जब मैं क्लिपिंग मास्क यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो डार्कनेस है वो बैकग्राउंड में जा रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला लेयर चूज़ करूँगा और उसको इन्वर्ट करूँगा मास्क को, तो क्या होगा, सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। उसके बाद मैं कोई भी लाइट इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ तो वो सिर्फ सब्जेक्ट पर ही रहेगा। आप देखो, आप समझ पाओगे मैं इसको क्या कर रहा हूँ। मैं इसको इन्वर्ट पहले करूँगा इस मास्क को, तो देखना ये इन्वर्ट हो गया, मतलब जो वाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, मतलब जब वाइट वाला एरिया आप दिख रहे हो वो सिलेक्टेड एरिया है। अब मैं कोई भी चेंज करूँगा तो सिर्फ सब्जेक्ट पर ही रहेगा। अब मैं इन चार लेयरों को एक साथ मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप में लाऊँगा कंट्रोल जी प्रेस करके। तो ये हो जाने के बाद इस लेयर का मैं एक नाम दूंगा मेरे हिसाब से और एक नया लेयर मैं क्रिएट करूँगा। जब हो जाए लेयर क्रिएशन तब मैं क्या करूँगा, इसका जो फाइनल जो लेवल एडजस्टमेंट है मैं वो करूँगा।
फिर से मैं कैमरा रॉ फिल्टर ओपन कर रहा हूँ HSL पैनल को ओपन करने के लिए। और यह से मैं क्या करूँगा, जो ओवरऑल कलर है इमेज का, सपोज सब्जेक्ट का जो ड्रेस है या फिर बैकग्राउंड में जो रेड ब्रिक्स है या फिर पेड़ों का जो कलर है, मैं उसको चेंज करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए मैं HSL पैनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं स्प्लिट टून का इस्तेमाल कर रहा हूँ एक टोन को एडजस्ट करने के लिए, जो मैं HSL पैनल से जो मैं कलर को चेंज किया था उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए मैं स्प्लिट टून का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए आप स्प्लिट टून का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक लेंस विग्नेटिंग से एक विग्नेट इफेक्ट क्रिएट करूँगा ताकि फोटो दिखने में अच्छा लगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से फोटो को नया वर्कस्पेस में मैं ओपन किया। अभी आप देख सकते हो आँखों में एक ग्रीनिश टोन है जो दिखने में बुरा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लो को 1 or 2% में रखूँगा, ओपेसिटी को अराउंड 40-50% के अंदर रखूँगा, और फोरग्राउंड कलर को वाइट रख के मैं क्या करूँगा, एक सॉफ्ट ब्रश चूज़ करूँगा। ब्रश का हार्डनेस 0 रख के मैं क्या करूँगा, मैं ये जो ग्रीनिश एरिया है यह पर ब्रश को मैं यूज़ करूँगा ताकि जो आँख है उससे ग्रीनिश कलर थोड़ा बहुत फेड हो जाए और आँख थोड़ा सा वाइट लगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, जो आई बॉल है उस पर भी थोड़ा सा ग्रीनिश टोन है, तो फोरग्राउंड कलर में मैं ब्लैक रख के तो आई बॉल को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया। और फिर से मैं देख सकते हो आप, दूसरे आई पर भी मैं ये टेक्निक यूज़ किया। इस लेयर का नाम दूंगा मैं आई एनहेंसमेंट ताकि समझने में आसानी हो। अब मैं क्या करूँगा, कलर ग्रेड करूँगा। पहले से मैं दोनों लेयर पर कलर ग्रेड करके रखा था, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडिएंट मैट ओपन करूँगा और हेक्स कोड से मैं क्या करूँगा, 5 पॉइंट क्रिएट करूँगा जिससे मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा ओवरऑल इमेज का। अब हेक्स कोड क्या है इसको मैं बाद में समझाऊँगा, फिलहाल तो मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं 5 पॉइंट क्रिएट करूँगा ग्रेडिएंट मैप पे हेक्स कोड के हिसाब से। तो उसके बाद क्या करूँगा, हो जाने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा और देखो कुछ इस तरह दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सॉफ्ट लाइट को लूँगा और उसका ओपेसिटी और फ्लो को मैं एडजस्ट करूँगा ताकि फ़ोटो दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगे। अब देखो मैं जो फर्स्ट जो मैं कलर ग्रेडिंग किया था वो ये वाला है, इसमें और एक इफेक्ट आ रहा है आप देख सकते हो, और इसमें और एक अलग सा इफेक्ट आ रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस वाला इफेक्ट थोड़ा बहुत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये जो कलर ग्रेडिंग है इस दोनों को मैं मर्ज करूँगा। उससे पहले, मर्ज करने से पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला जो लेयर है आप देख सकते हो, ऊपर वाला लेयर में रेडिश टोन ज़्यादा है इसलिए मैं ब्लेंड डिफ को चूज करूँगा और इसमें जो रेड पॉइंट है उसमें जाके मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा इस पॉइंट को और रेडिश टोन को थोड़ा सा कम करूँगा। इस वाइट वाला पॉइंट को मैं स्प्लिट करके मैं रेडिश जो कलर है उसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा। तो हो जाने के बाद फोटो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।